आज इस क्लास में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक खिलाफत आंदोलन देखने वाले हैं। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है ना कि 2016 से लेकर 2023 तक ये पूछा गया प्रश्न है। ये इसको हम ना एकदम 3D तरीके समझाएंगे। देखिए, एक कहानी बताएंगे 1 मिनट का, और उसके बाद हम लिखने का तरीका कैसे बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें कि सामाजिक विज्ञान में 100 में 100 अंक पाए। ये नहीं, हम 99 को नहीं चक्कर में पड़ते हैं कि 95 का, हम 100 में 100 का टारगेट लेकर चलते हैं। अब देखिए, खिलाफत आंदोलन को समझते हैं, पहले कहानी सुन लेते हैं, 1 मिनट का कहानी होगा, उसके बाद लिखने का तरीका क्या क्या हुआ था सब लिखा हुआ है, यहीं पर कम शब्दों में लिखा हुआ है। देखिए, खिचड़ी नहीं बनाना है, ठीक है, कम शब्दों में लिखना है, अधिक से अधिक नंबर पाना है। चलिए, खिलाफत आंदोलन है क्या? देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, सबको पता है कक्षा 10 में पढ़े 9th में पढ़े होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ, कब हुआ। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था ना, उस दौरान अंग्रेज थे, अंग्रेज बहुत चालाक होते हैं, पता याद रखिएगा। अंग्रेज ना, ये एक तुर्की देश है, भारत के थोड़ा दूर, मतलब यूरोपीय कंट्री में है, तो ये तुर्की देश है। इस देश को ना अंग्रेज वाले ना कहा था कि मुसलमान से यह कहा वादा किया था ना कि तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। ये अंग्रेज वालों ने वादा किया था तुर्की को कि हम आपके देश का विभाजन नहीं करेंगे। जब युद्ध ना थोड़ा बढ़ने लगा, प्रथम विश्व युद्ध, देखा इस मौके का फायदा उठाए अंग्रेज सब बहुत चालाक होते हैं, सब फायदा उठाया और तुर्की का विभाजन कर दिया। जब तुर्की का विभाजन हो गया ना, तो वहाँ का एक पद होता है मतलब जैसे यहाँ का पद होता है मुसलमानों का ना मौलाना, वहाँ का एक पद होता है खलीफा। तो खलीफाओं ने विरोध कर दिया कि क्यों विभाजन कर रहे हो, इसका तुर्की का विभाजन क्यों कर रहे हो। वैसे एक कहानी यहाँ पर घटा भारत में। भारत में क्या हुआ समझिए पहले। जब भारत में क्या हुआ ना कि मान लीजिए यहाँ पर मुसलमान लोग रहते हैं, और भारत में भी कुछ लोग मुसलमान लोग रहते हैं। अब एक कहानी बता रहे हैं आपको, मान लीजिए भारत में हिंदू लोग रहते हैं और अमेरिका में हिंदू लोग रहते हैं, हिंदू लोग पर अत्याचार होगा अमेरिका में, तो क्या भारत वाले विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? भारत वाले लोग 100% विरोध करेंगे। वही कहानी हुआ भारत के साथ, यहाँ मुसलमान लोग रहे थे मतलब थे, और भारत में भी मुसलमान लोग थे, तो मुसलमान लोग ना विरोध करना शुरू कर दिया कि तुर्की में क्यों विभाजन हुआ, क्यों विभाजन अंग्रेजों ने किया, क्योंकि अंग्रेज का शासन भारत में भी था ना। अब देखिए, यहाँ पर जब ये मतलब यहाँ पर आंदोलन प्रारंभ हो गया ना, तो यहाँ का देखिए, भारत के इसी विभाजन के कारण खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया यहाँ पर भी। अब देखिए, यहाँ का एक मतलब या मंत्री मानिए या नेता मानिए, मुस्लिम नेता मानिए, यहाँ का एक मोहम्मद अली और शौकत अली ने ये खिलाफत आंदोलन भारत में स्टार्ट कर दिया। याद रखिएगा, मोहम्मद अली यहाँ पर और शौकत अली ने भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, इसमें क्या हुआ ना, तो महात्मा गांधी, देखिए यार, इसमें चक्कर में तो अब जाना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों का साथ देना जरूरी था महात्मा गांधी को। अब देखिए, क्या ये डेट मत याद रखिएगा, 23 नवंबर 1919 को ना क्या हुआ ना कि अध्यक्षता में मतलब महात्मा गांधी ने किया, किसकी, खिलाफत आंदोलन की, भारत में अध्यक्षता किया। उसके बाद क्या हुआ ना, ये आंदोलन बहुत दिनों तक चला, तो क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय दबाव आने लगा अंग्रेजों पर, इंग्लैंड वाले पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव आने लगा, तो ये क्या हुआ ना, ये तुर्की विभाजन इन्होंने समाप्त कर दिया। किसने, अंग्रेजों ने, तो भारत में भी समाप्त कर दिया गया खिलाफत आंदोलन को। समाप्त हो गया ना, तो जो महात्मा गांधी को मुसलमानों का ये क्या हो गया, मुसलमान लोगों का ये नेता बन, मतलब मुसलमान लोगों का ये सहारा बन गया महात्मा गांधी, और यही कहानी है बस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही, ये 3D कहानी में समझ में आया होगा तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमको लग रहा है कि समझ में आया होगा, एकदम 100% आपको समझ में आया होगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों से यह वादा किया था, हम बताए नहीं हैं कि तुर्की विभाजन नहीं करेंगे, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया। इसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया। खलीफा ने बताया ना कि यहाँ पर मुसलमान का पद होता है मौलाना, चाहे बहुत सारा पद होता है, वैसे ही तुर्की में खलीफा एक पद का नाम है, इन्होंने विरोध किया, और भारत में इसी कारण से खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ भारत में। अब देखिए, खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने प्रारंभ किया, और जब 23 नवंबर 1919 को, ये डेट नहीं याद भी रखें कोई फायदा नहीं है, बस याद रखें कि इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की विभाजन को ख़त्म कर दिया, और भारत में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। अब समाप्त हो गया तो महात्मा गांधी नेता बन गए, सहारा बन गए मुसलमान लोगों का। यही कहानी है। देखिए, ज़्यादा नहीं लिखना है, 5 अंक का पूछा जाए पूरा कवर करना है, 2 अंक का पूछा जाए इसमें थोड़ा बहुत घटा बढ़ाकर लिख देना है बस। सामाजिक विज्ञान का यह नियम है ना कि टॉपिक वाइज, मतलब हेडिंग वाइज बना के लिखिए, हेडिंग, ये एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक ऐसे लिखना, ये नहीं कि
मिर्च मसाला ऐड करना है। तो वीडियो समझ में आया होगा मुझे पता है 100%। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।